प्राइस कितना रहेगा इसका? 95,000 प्राइस वगैरह क्या है? इसका भी है लुकआउट, अंदर से भी डिफेंडर ही लगती है ये, थोड़ी नीची है वरना ये सीट्स वगैरह सब मिल जाती है। फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है। Been down and then I gotta flex the pen. Been a while, I've been lounging, politicking with the best of men. Been through a lot of trials as of late, but I can't hate, cause the game gonna test your skin. For real, I've been trying to make sure things secured for my next of kin. And when things is grim, you gotta learn to sink or swim. I've been thinking of things that's blocking my potential, fogging up the mental. When I know I could handle a lot of that with a pencil. My true fans, they gonna tell you that I've been next. I let the pain flow from my heart. Hello guys, welcome back to the new video. My name is Shubham. और हम लोग आ गए आज पंचाल घाट पे दोबारा से। नई नई गाड़ियाँ बड़ी बहुत सारी, अब स्टॉक यार्ड मतलब कि इनका बहुत बड़ा स्टॉक यार्ड है एक्चुअली ये, और जो कि आज पूरा भर चुका है। और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, मतलब आप देखते देखते वीडियो खत्म हो जाएगी, 5 से 6 में भी आपको कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे इतनी सारी गाड़ियाँ है ना। सही बात है ना एकदम बढ़िया। देख सकते हो इतनी सारी, सारा स्टॉक भरा पड़ा है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी छोटी, वो देखो हमारे यहाँ ऊपर भी चढ़ जाता है इंसान, ऊपर चढ़ के गाड़ी साफ करते हैं, हर जगह से सफाई होती है। तो गाड़ियाँ देखने वाले कौन कौन सी हैं एंड क्या प्राइस है, मैं घर पे सो रहा था, इन्होंने जबरदस्ती फोन करके बुलाया कि भाई आके वीडियो बनाओ, देख लो इधर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, बताओ कौन कौन सी गाड़ी है, पहली गाड़ी बताओ कौन सी लेंगे हम लोग, कट तो करो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहली गाड़ी से। गौतम भाई, छोटी गाड़ी ये समझ, बोलो छोटी गाड़ी, ओपन छोटी गाड़ी है ना सर, नैनो से छोटी है और डिमांडेड गाड़ी है। डिमांड तो ऑलमोस्ट बहुत सारी, बहुत ज्यादा हाँ, डिमांड है। ये है 2017 मॉडल अल्टो, 2017 मॉडल की है, सिंगल ओनर, फर्स्ट ओनर, लैंप वगैरह लगा रखे इसमें, कंपनी से लगाए हुए हैं या अलग से? बाहर अलग से लगाए हुए हैं, बाहर से लगाए हुए हैं। हाँ ठीक है। कितना किलोमीटर चली है और क्या डिटेल वगैरह है? ये 62 चली हुई है, 62,000 चली है। हाँ ओनर सिंगल, सिंगल ओनर है और फुल इंश्योरेंस रनिंग है। फुल इंश्योरेंस, इंटीरियर वगैरह देख लो भाई क्या सीन है, काफी बढ़िया है इंटीरियर तो, एकदम सीट कवर वगैरह एकदम से आफ्टर मार्केट की है। हाँ। लेकिन काफी बढ़िया है, आफ्टर मार्केट किया हुआ है। हाँ अच्छा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो होंगे ना इसमें? पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ठीक है। बस वही है कि ऑल्टो प्राइस कितना रखा है? 2,65,000 नेगोशिएबल, नेगोशिएबल लोन तो हो ही जाएगा ना, लोन इसमें आराम से 90% हो जाएगा, इसमें 90% तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्विड, रेनो क्विड, कौन सी ईयर का मॉडल है ये? 2018 मॉडल। हाँ और ये भी सिंगल ओनर, सिंगल ओनर, फर्स्ट ओनर, प्योर पेट्रोल है। हाँ और ये 71,000 चली हुई है। हाँ बाकी कंडीशन आप सब देख ही रहे हो, कंडीशन एकदम बढ़िया है। प्राइस वगैरह क्या है इसका भी? है लुकआउट, अंदर से भी एकदम, इसका कंपनी फिटेड है, सीट कवर वगैरह। अच्छा कंपनी फिटेड है, कंपनी इंटीरियर वगैरह सब आता है? सब कंपनी फिटेड ही है। अच्छा तो ये वाले नैनो में लग जाएंगे क्या? नहीं ये नैनो में नहीं लगते हैं, ये वाले नहीं लगेंगे, नैनो में नैनो का ही लगता है। अच्छा ऐसा है क्या? गोल गोल अच्छे लगे, मैं बोला भाई इसके वो ऐसे मेरे को भी मिल जाए तो मैं वो भी लगा लूंगा, जैसे कुछ इस तरीके से पंपर वगैरह, पेंट वगैरह कुछ कैसा क्या सीन है इसमें? कुछ पेंट नहीं, पेंट वगैरह मतलब नॉर्मल टचअप है। हाँ, कितना ओनर है? सिंगल ओनर, फर्स्ट ओनर, फुल इंश्योरेंस। ओके और पहले ही बताया मैंने 71 चला हुआ और प्योर पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल है ना, प्योर पेट्रोल जी। प्राइस कितना बताया? 2,90,000 नेगोशिएबल, थोड़ा बहुत कम, नेगोशिएबल तो हर एक चीज में होगा। हाँ। बट थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं, आरटीओ भी फ्री देते हैं इसके लिए। तो भाई ये है अपनी छोटी डिफेंडर, ठीक है, स्कोडा सामने से दिखेगी लेकिन ये आप अगर पीछे से देखेंगे तो समझ में जाएगा क्यों मैं इसको डिफेंडर बोल रहा हूँ, लैंड रोवर बोल रहा हूँ। अगर चाहो तो यहाँ पर आप लैंड रोवर लिखवा सकते हो, बाकी सब तो आपके ऊपर है। ये स्कोडा येति, अब येति कौन सा मॉडल है, क्या है भाई? 2011 मॉडल और ये डॉक्टर ओनर है। ओके फर्स्ट ओनर, फुल इंश्योरेंस, आपको कंपनी फिटेड, टोटली 2 की भी उसकी कंपनी की एज इट इज है। हाँ। और पूरी गाड़ी जो कंपनी पेंट में है एज इट इज है, कुछ उसमें अप डाउन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, और 4x4 है, 4x4 मिल जाती है भाई। पीछे से आप अंदर से कंडीशन देख लो, देखो इंटीरियर वगैरह ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मैनुअल है, मैनुअल है, ऐसा लगता है ऑटोमेटिक है, गियर नॉब देखो किस तरीके से, बाकी तो 4x4 मिलती है। स्पेस तो भाई भर भर की गाड़ी के अंदर है ऑलमोस्ट, पीछे आपको रियर में भी आपको एसी वेंट वगैरह मिल जाते हैं और ये सब चीजें आपको यहाँ पे काफी सारा स्पेस है यार, बाकी मानना तो पड़े। पेट्रोल है, डीजल है, डीजल है, डीजल है ना, इसको 4x4 होने के बावजूद भी आपको माइलेज भी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। कितना माइलेज दे रही है? 18 से 20 का माइलेज मिल जाता है इसमें। अच्छा 18 से 20 का माइलेज आपको मिल जाता है, स्टेपनी वगैरह सब आपको अंदर इधर मिल जाती है भाई, स्पेस भी काफी, बूट भी अच्छा मिल जाता है, अच्छा खासा
12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब मिल जाता है, मतलब प्रीमियम वाली ही गाड़ी थी उस टाइम पे। अब पीछे से देखो भाई, इधर से दिखाओ यार, साइड से डिफेंडर ही लगती है ये, थोड़ी नीची है वरना ये डिफेंडर ही लगे उस तरीके से। बाकी तो मजाक की बात है, सच में डिफेंडर मत समझ लेना। प्राइस कितना है भाई? 6.5 लाख। 6.5 लाख में मिल जाएगी? मिल जाएगी आपको। 6.5 में आपको 4x4 गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास स्विफ्ट, ऑल टाइम हिट है भाई ये स्विफ्ट, मतलब कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है ना कि क्या ही बोले भाई। जिसको चाहिए उसको स्विफ्ट ही चाहिए, और कोई गाड़ी उनको देखनी जो स्विफ्ट के दीवाने भाई, उनको स्विफ्ट ही चाहिए। सही है। हाँ, प्राइस कितना है? स्विफ्ट एक अच्छी है कि पेट्रोल में भी डिमांड है, डीजल में भी डिमांड है। हाँ हाँ हाँ, पेट्रोल तो अब आने से रहा, मतलब डीजल तो अब आने से रहा, पेट्रोल तो बंद हो गए। पेट्रोल है 2015 मॉडल, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस इसमें भी। अच्छा, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस रहेगी गाड़ी। ठीक है, इंटीरियर वगैरह देख लो भाई, इंटीरियर कैसा है, कितना किलोमीटर चली होगी ये? चली है 71,000। ठीक है, प्राइस कितना रखा है इसका? 4,25,000। 4,25,000। हाँ ठीक है भाई, 4,25,000 में मिल जाएगी। देख सकते हो कंडीशन वगैरह किस तरीके से है भाई, पीछे से भी, पीछे से भी एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। बम्पर वम्पर पेंट वगैरह हुआ है? हाँ, बम्पर पेंट हुआ है। बाकी और कहीं पेंट? बाकी मतलब पेंट सेकंड हैंड गाड़ी है, पेंट तो रहेगा, एक्सीडेंट जॉब नहीं रहेगा। एक्सीडेंट जॉब नहीं है, बाकी नॉर्मल कुछ भी सिटी में चलती है गाड़ी, स्क्रैचेस वगैरह रहेंगे तो उसके लिए पेंट कराना ही पड़ेगा। उसको मतलब कि क्लियर किया है, कंडीशन बढ़िया की है। अगर कोई अगर सेकंड हैंड डायरेक्ट कस्टमर से भी खरीदता तो वैसी हालत में मिलती, इसके लिए हम लोग नहीं पड़ता ही तो यहाँ कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर आता है हम लोग उसको फोटो भी दिखा दे कि ओरिजिनल कंडीशन ये थी गाड़ी की। हाँ, और अभी जो काम किया है उसका, उसके बाद का ये फोटो है। हाँ, तो पता चले कि भाई एक्सीडेंट के लिए नहीं किया है, नॉर्मल सी जो स्क्रैच था जो भी था उसके लिए। तो हर गाड़ी में करना पड़ता है यार, क्योंकि फिर इस तरीके से आपको खराब गाड़ी बेचेंगे, ऐसी देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो फिर क्या ही खरीदो। ये फोर्ड फिगो, फोर्ड फिगो कौन सा मॉडल है? 16 मॉडल टाइटेनियम। तो 16 मॉडल है। हाँ, और ये मिल जाएगी आपको डीजल वेरिएंट में। अच्छा, डीजल में मिल जाती है फोर्ड फिगो, मैनुअल है, टाइटेनियम। भाई कंडीशन वगैरह तो काफी बढ़िया है गाड़ी की, इंटीरियर वगैरह भी देख सकते हो भाई, सही कंडीशन में है। और चलने में तो फोर्ड के इंजनों का कोई जवाब तो है नहीं, वैसे भी फोर्ड के इंजन चलने में भी बहुत जबरदस्त आते हैं बढ़िया तरीके से। फ्रंट से देख लो, कहीं से भी कोई बढ़िया वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह दिखता है क्योंकि आपको पता है कि भाई जो नॉर्मल रहता है वैसा ही है यहाँ पर, उस तरीके से जो है नॉर्मल, जो भाई गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत तो होता ही। छोटे सेगमेंट में ये अच्छी गाड़ी है, माइलेज भी सही तरह से एकदम, माइलेज भी इसका 20-22 का माइलेज मिलता है इस गाड़ी में। और इसकी प्राइस अगर हम, 2016 मॉडल है, 3,65,000 प्राइस रखी है इसके। 3,65,000 सही है ना यार, 20 का माइलेज दे रही है। मेरी गाड़ी लेनो भी 20 का ही माइलेज देती है, रनिंग कॉस्ट तो आपको बराबर वही आना है जिस तरीके से है। हाँ, है ना। इसके बाद दूसरी गाड़ी कौन सी है? ये है रेक्सटन। रेक्सटन कौन सी का मॉडल क्या है? ये 2013 मॉडल है। हाँ, और ये फुल्ली टोटली ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोमेटिक है, और जो सबसे टॉप वेरिएंट होता है यही है 200XC। तो इंटीरियर वगैरह देख सकते हो भाई गाड़ी के अंदर किस तरीके से है, मतलब प्रीमियम ही ऑटोमेटिक में मिल जाती है रेक्सटन। रेक्सटन में बता दो भाई, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये महिंद्रा और सांगयोंग कंपनी का एक मतलब कि कोलेब्रेशन प्रोडक्ट है ये। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर मतलब आपको फ्रंट सीट भी जो है ना ऑटोमेटिक मिल जाती है, एडजस्टेबल आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी सारी चीजें, मेमोरी सीट्स वगैरह सब मिल जाती है, फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक एंड फुल्ली प्रीमियम कार है। तो वैसा भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई गाड़ी में कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, चालू वालू करके क्या भाई, लाइट वाइट दिखा दो, सनरूफ वगैरह सब कुछ है गाड़ी के अंदर। ठीक है, सनरूफ वगैरह भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, प्राइस कितना रखा है? 6.5 लाख में सिर्फ। और टली कितना है? 1,27,000। 1,27,000 किलोमीटर चली हुई है। वैसे तो भाई इन गाड़ियों का तो क्या है भाई, कितना भी चला लो कैसा भी, भाई 1,27,000 चली है, वो भी टोटली कंपनी में जाके आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। ये कंपनी मेंटेन है, ये यहाँ पर जगह दे रखी है पूरा, ये बिठा दो भाई आराम से, सामान बूट बढ़ जाता है और यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अभी अर्टिगा में कुछ इस तरीके से नया नया करने लगे हैं, लेकिन ये पहले से ही आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको दे रहे थे। प्राइस कितना मांग रहे भाई इसका? 6.5 लाख। 6.5 लाख ये भी और 6.5 लाख वो ये थी कभी। हाँ, दोनों का मतलब की जो प्रीमियम गाड़ियां हैं दो 6.5 के अंदर आ जाएंगी भाई, फिर भी तो लोन हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा इसमें, 4 लाख तक का लोन हो जाएगा। हाँ,
लेकिन 6.5 में आपको फीचर्स कितने मिल रहे हैं? वही 6.5 में आपको मतलब ऑलमोस्ट पूरी प्रीमियम जो अभी महिंद्रा बड़ी गाड़ियों में दे रही है, स्कॉर्पियो एंड वगैरह में, आपको 4x4 मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है, आपको सनरूफ मिल जाता है इसमें, वही 6.5 में आपको सब चीजें मिल जाती है। चलाने वाले जो होंगे ना जिनको भाई नॉलेज है, और सिर्फ अगर ये नहीं है कि भाई नई गाड़ी लेनी है तो वैसा तो जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट है अपने पास होंडा WRV। तो गाड़ी भाई साहब एकदम रनिंग कंडीशन है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी की छोटी और SUV SUV, हाँ, स्मॉल सेगमेंट SUV में काफी पावरफुल आ जाती है। इसमें भी आपको सनरूफ, पुशकट बटन, हाँ, एक तो गाड़ी होंडा की बड़ी रिलायबल आती है, इंजन वगैरह काफी रिलायबल आते हैं बढ़िया तरीके से। तो और अंदर से कंडीशन वगैरह देख लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस कितना है ओनर, कितना है प्राइस, कितना है ओनर सेकंड है इसमें, हाँ, और इसकी प्राइस 7,25,000 7,25 में आपको ये वाली होंडा WRV मिल जाएगी। रियर वगैरह से आप कंडीशन वगैरह देख सकते हो, बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है मारुति सुजुकी रिट्ज। भाई कौन सी, क्या है डिटेल्स का? रिट्ज 2011 मॉडल, VXI वेरिएंट है और फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस। फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस रहेगी, पेट्रोल है ना? प्योर पेट्रोल है, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों चार टायर भी आप देख सकते हो प्योर पेट्रोल। इंटीरियर वगैरह देख लो भाई, इंटीरियर एकदम मस्त दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है, स्पोर्ट्स कार जैसे। इसके मीटर दिए हुए छोटा सा आगे, RPM का अलग और स्पीडोमीटर अलग। मारुति भी कमाल करती है भाई, कुछ भी कहो, यहाँ से डिजाइन करने वाले को पता नहीं क्या ही हुआ था कि थोड़ा ऐसे डिजाइन कर दिया उन्होंने, मगर अच्छी लगती है, बढ़िया गाड़ी है, आप चाहो तो ले सकते। प्राइस कितना है? और यही मैंने आपको मॉडल तो बताया, 2011 मॉडल, ओनर फर्स्ट है और प्राइस 2,10,000 इंक्लूडिंग RTO। इंक्लूडिंग RTO, आपको इसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं है, चारों चार टायर भी देख सकते हो, टायर एकदम ब्रांड न्यू टायर है। इंश्योरेंस वगैरह रनिंग है, फुल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ओनर सिंगल है, फुल एकदम कंप्लीट है ना, बढ़िया है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्कोडा रैपिड, हाँ, ये 2017 का दिसंबर मॉडल और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरियंट है, ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरियंट है। रैपिड की तो बात ही अलग है भाई, बहुत प्रीमियम सेडान में मिल जाती है गाड़ी, एंड अंदर से देख सकते हो कंडीशन वगैरह कैसी है। ऑटोमेटिक है तो भाई चलाने का टेंशन नहीं रहता, किलोमीटर इसका समझो 60,000 चली हुई है, हाँ? और कस्टमर ने 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी ली है कंपनी शोरूम से ली हुई है। अच्छा, तो जो भी बाय करेगा गाड़ी इसको 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी मिल जाएगी इसमें, 60,000 चली हुई है, हाँ, ठीक है। और प्राइस, प्राइस इसकी 7,00,000 रुपये 7,00,000 रुपये नेगोशिएबल रहेगा, नेगोशिएबल रहेगा, बट गाड़ी देख के कोई भी फाइनली कर देगा ऐसी कंडीशन में गाड़ी। मतलब मैं तो खैर वो प्रेफर करूंगा कि भाई आप आओ और फिर आके देखो ऐसा, हाँ। और जैसे नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था फाइनली के सबसे छोटे बजट में गाड़ी ये रही, एक और छोटे बजट में गाड़ी है अपने पास, 1.1 लीटर 16 वेल्व और इंजन बढ़िया आता है, 512 bhp, 800 Nm टॉर्क, और ये है, काफी कुछ पता है आपको गाड़ी के बारे में। वैगनार नहीं, ये गोनार है, वैगनार बढ़िया वाली। कौन सा मॉडल है ये? 2005 मॉडल है, हाँ, और सेकंड ओनर में है ये गाड़ी, सेकंड ओनर में है 2005 मॉडल, और पेट्रोल चलिए, थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, पेट्रोल करा लो मतलब CNG करा लोगे तो मतलब आप कहीं पर भी घूमो इसको लेके। प्राइस कितना रहेगा इसका? 95,000 में आपको वैगनर मिल जाएगी, पावर स्टेयरिंग, AC भी एकदम सही तरह से काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है ना AC, एकदम बढ़िया, सब कंप्लीट है ना गाड़ी में। इंटीरियर दिखा दो भाई गाड़ी का, लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई क्या पागल बना रखे हमें 95 में गाड़ी मिल रही है। उसमें नेगोशिएबल हुआ क्या फिर उसमें, इंटीरियर इंक्लूडेड है क्या कुछ, क्या किस चीजें हैं? नहीं, नहीं, देखो वो कस्टमर आने के, जो कस्टमर आएगा उस पर डिपेंड है, हाँ, नेगोशिएबल कर पाएंगे जितना हो सके उतना, बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने कम प्राइस बताई है इसकी, हाँ, फिर इसमें से भी अगर 25,000 जैसा माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2-5,000 का मान रख लेंगे कोई भी। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये है 95 में, हो सके तो भाई अपना जो भी है आप कर सकते हो। बाकी तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई गाड़ी है? नहीं, और आएगी तो आपको वापस वीडियो बना लेंगे नेक्स्ट, हाँ, वो दोबारा अभी एक और भी गाड़ियाँ हैं जो रेडी होने गई हैं अभी कुछ, है ना, हाँ, जो कि अभी एकदम मस्त होके आएंगी, तो ये गाड़ी आप चाहो तो ले सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, और इनको कांटेक्ट करना, आपको भी करेंगे तो चलेंगे कांटेक्ट, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।